गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये अब हम लेक्चर नंबर 2 को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 2 में जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी अर्थात अनेकता में एकता। यूनिटी अभी मैंने आपको बताया कि अनेकता में एकता, बार बार मैं आपको जितना भी बात बता रहा हूँ डाइवर्सिटी को के बारे में, तो मैंने बताया कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग, अनेक अलग अलग होगा, ठीक है ना। लेकिन यूनिटी जो है उस सब अलग अलग चीज़ों को यानी अनेकताओं को एक में बांधकर रखती है। जैसे कि इसके पहले में भी बताया कि हर एक जगह जितने भी स्टेट है हर एक जगह अलग अलग प्रकार की खेती होती है, अलग अलग प्रकार का जमीन है, लेकिन सारे जगह से आते तो हैं, वहाँ से फूल जो भी होता है वो हम उसका उपभोग करते हैं। यानी अलग अलग होते हैं लेकिन सब कोई मिलकर उसका उपभोग यानी उपयोग करते हैं, यानी ये यूनिटी को दर्शाता है। इसमें कहता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस पीपल लिविंग इन इंडिया आर इंडियन फॉर्स। देखिए इसमें भी दिया है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफरेंसेस, सब में देखिए अलगाव है, इन स्पाइट ऑफ सबके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब सबके बावजूद अंतर है, सबके बावजूद सब में अंतर है, सारे लोगों में अंतर है, धर्म में अंतर है, भाषा में अंतर है, जाति में अंतर है, सारे चीज़ों में अंतर है, लेकिन फर्स्ट हम लोग क्या हैं, फर्स्ट हम लोग इंडियंस हैं, भारतीय हैं। जैसा कि आप देखिएगा दिस यूनिटी हैज बीन ए पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, अर्थात यही यूनिटी जो है हमारे इतिहास को दर्शाता भी है। अरे यही यूनिटी जो है हमारे इतिहास, जो हमारा जो इतिहास है, बैक का जो इतिहास है, यही यूनिटी को बने, जो एकता है, एकता जो है, ये एकता जो है हमारे इतिहास, जो हमारा इतिहास है, कल का जो इतिहास है, उस इतिहास में भी हमारे एकता को दर्शाया गया है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स रिलीजन्स एंड लैंग्वेज हैड कम टुगेदर टू प्रैक्टिस इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखिए जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, हमारा देश गुलाम था, तो क्या एक ही कोई धर्म का लोग उसमें हिस्सा लिया, क्या उसी में एक ही कोई जात का हिस्सा लिया लोग, नहीं, हर एक धर्म के, हर एक जात के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। क्यों हिस्सा लिया, तो देश को आज़ाद कराने के लिए हर एक धर्म और हर एक जात के लोगों ने उसमें हिस्सा बढ़ चढ़ कर लिया, क्योंकि देश एक है, धर्म अलग है, जात अलग है, भाषाएं अलग है, लेकिन देश तो एक है। सम ऑफ आवर फेमस लीडर्स, उसमें हमारे जो प्रमुख जो नेता थे वो नेता कौन कौन थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ये देखिए सब अलग अलग थे, धर्म अलग था, इनकी जाति अलग थी, लेकिन लड़े किसके लिए, एक देश के लिए, अर्थात अलग अलग होते हुए भी भारत के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। The freedom fighters were inspired by a single vision, that of a new and united India. When India became independent, the leaders ensured that the unity in diversity stage preserved. सभी का एक ही दिमाग था कि अगर आज़ादी मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है तो आज़ादी के आगे इससे डाइवर्सिटी का कोई मतलब नहीं है, कोई मूल नहीं है। आज़ादी अगर मिलती है तो आज़ादी में सबने हिस्सा लिया, और उस आज़ादी जब हमारी आज़ादी जब हमको आज़ादी मिल जाती है तो उस आज़ादी में जो आज़ाद हमारा देश हुआ उस आज़ादी में तो हिस्सा सभी ने लिया, तो वहाँ पर विभिन्नता जो है काम नहीं आती है, सारे विभिन्नता मिलकर एकता का रूप लेती है और वहीं एकता काम आती है। टुडे दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंटरट्विंड विथ द वेरी आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, द इंडियन आर्मी, द इंडियन सिविल सर्विसेज, द नेशनल क्रिकेट फुटबॉल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कल का जो हमारी जो संपत्ति है, भारत देश की जो संपत्ति है, यही क्या है कि हम अलग होते हुए भी एक हैं, हम अलग होते हुए भी क्या हैं, एक है, यही हमारी संपत्ति और यही हमारी धरोहर भी है। अब देखिए जैसे कि धरोहर के रूप में हम बोलते हैं द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, ना कि ये मुस्लिम सेना है, ये हिंदू सेना है, ये क्रिश्चियन सेना है, कहीं कहते हैं नहीं, द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, द इंडियन सिविल सर्विसेज। जब हम परीक्षा देते हैं किसी भी चीज़ का एग्जाम, जैसे इंडियन सर्विस, किसी भी चीज़ का नहीं, इंडियन सिविल सर्विसेज का जब एग्जाम देते हैं तो क्या कहते हैं, ये
इसमें ये धर्म का लोग बैठेगा, इसमें इस कास्ट का लोग बैठेगा, इसमें इतने बड़े बड़े लोग बैठेंगे, इसमें छोटे लोग बैठेंगे, इस तरह का कहीं डिफरेंसेज होता है? नहीं, कोई डिफरेंसेज नहीं होता है, नो डिफरेंसेज, ठीक है ना। उसमें हर एक तरह के लोग बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, अर्थात डिफरेंसेज होते हुए भी कहीं डिफरेंसेज शो नहीं किया जा रहा है। द नेशनल क्रिकेट फुटबॉल, अर्थात जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, हर एक चीज़ों को मैं यही बता रहा हूँ कि सब क्षेत्र, जो भी खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में विभिन्नताएं हैं, लेकिन उन सारी विभिन्नताओं को दूर करते हुए हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, और एक साथ मिलकर काम करके हम यह प्रदर्शित करते हैं कि हम अलग अलग तो हैं, लेकिन हमारा देश, मुल्क और हम एक हैं, हमारे अंदर कोई विभिन्नता नहीं है। उसके बाद से बी और रेस्पॉन्सिबल इंडिया, सबसे पहले हमें एक रेस्पॉन्सिबल भारतीय होना होगा। क्यों रेस्पॉन्सिबल भारतीय होना होगा? एज फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी नॉट ओनली अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट बट ऑल्सो हेल्प इन अपहोल्डिंग द यूनिक स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। देखिए मैं बता देता हूँ, आज हम इतने बातों को जो बोलते हैं, आज ये वक्त आ गया है कि हम सभी मिलकर उन लोगों को उठाएं, उन लोगों को बताएं, उन लोगों को समझाएं जो इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारी जाति और हमारे शिक्षा और हमारी संस्कृति अलग है। ये सबको छोड़ना होगा, इन पायदानों को तोड़ना होगा, और इन पायदानों को तोड़कर हमें सबको ये शिक्षा देनी होगी कि नहीं, हम सब एक हैं, हम सबसे पहले एक भारतीय हैं, हम सबसे पहले उस देश के नागरिक हैं जिस देश में हम रहते हैं, या वो इंडिया हो, या वो इंग्लैंड हो, या वो अमेरिका हो, कोई भी देश हो, हर एक देश के, हर एक मुल्क के नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है, ये शिक्षित व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो जो लोग हैं वहाँ के, जो लोग हैं जो नीचे हैं, जो बैक में हैं, उनको सामने लेकर आए, उनको उठाए, अपहोल्ड करे, उनको लेकर आए और ये बताए कि नहीं, हम सभी क्या हैं, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हमारे अंदर कोई डाइवर्सिटी नहीं है, हम सभी कोई अलग नहीं है, हम सभी एक हैं, हम सभी को समान मौका दिया जाए, हम सभी को देश के द्वारा समान मौका दिया जाता है, और हम सभी उस चीज़ का भरपूर उपयोग करें, उपभोग करें। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हम एक रेस्पॉन्सिबल इंडियन हैं, ठीक है ना, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि सभी लोगों के दिमाग में ये बात डालना कि हम अलग नहीं हैं, हमारे धर्म अलग नहीं है, हमारी भाषाएं अलग नहीं है, हमारी संस्कृति अलग नहीं है, हमारा कल्चर अलग नहीं है, हमारा कल्चर कुछ नहीं है, कोई अलग नहीं है, हम सिर्फ एक हैं, और हम सिर्फ पहले इंडियन हैं, उसके बाद हम जो हैं सो हैं, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए इंडियन, ठीक है ना। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। आप लोग इसको अपने से क्या कीजिएगा, एक बार और रीडिंग कीजिएगा और इसको भरपूर समझने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।